गाइस, वेलकम बैक इनटू माय चैनल। मैं हर्षा राणा और मैं हूँ अभी राजस्थान में। राजस्थान जाना जाता है यहाँ के बड़े बड़े फोर्ट, राजवाड़े, हवेली और यहाँ के डेजर्ट एंड फोल्क म्यूजिक को कैसे बोल सकते हैं हम। जोधपुर उतरने के बाद पता चला कि यहाँ पे फोटोशूट और वीडियोग्राफी अलाउ ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ का तो कुछ ले लिया, बस थोड़ा सा बाहर आने के बाद में कैप्चर किया है। और अभी मैं हूँ यहाँ पे रिक्शे, होटल में जाने के लिए चार्ज लिया है कुछ 350 रुपये, जो कि थोड़ा सा महंगा लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं होटल, फिर वहाँ से आगे की प्लानिंग हो। होटल में चेक इन के बाद में थोड़ा सा मैं फ्रेश अप हुई और अभी मैं जा रही हूँ जोधपुर के मार्केट के लिए। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ के प्लेस से घंटाघर करके और बीच में से मार्केट होते हुए जाएंगे। यहाँ पे भूख भी लगी है तो देखते हैं क्या होटल में खाने के लिए कुछ मिलता है क्या, पता नहीं कितना टाइम लगता है यहाँ से जाने के बाद में। वो घंटाघर कहीं बंद ना हो जाए। और सबसे पहले प्लानिंग है कि मैं कुछ खाऊं और उसके बाद फिर हम जाएंगे आगे मार्केट। और इसका नाम क्या है, उसका चाट पैकेट है और अभी हम लोग खाने ट्राई कर रहे हैं चाट। चाट खाने के बाद में अभी भी पेट नहीं भरा है और बाजू में एक शॉप है जहाँ पे मिर्ची वड़े मिलते हैं जो कि मुंबई में नहीं मिलते, इसलिए ये ट्राई करने पे जा रही हूँ। मुंबई में नहीं मिलती ना ये सारी चीजें।
बाद अभी वक्त हो चुका है कुछ खाने का, और यहाँ पे है दो होटल, एक ये इस साइड में है और एक इस साइड में, तो अभी सोचा तो है यहाँ पे जाने के लिए, देखते हैं कि खाना कैसा है यहाँ का प्रॉपरली डिनर टाइप। और बहुत सारा ऐसा छोटा मोटा चाट और बादाम शेक और छोटे मोटे चीज़ें खाए पिए और बहुत सारी शॉपिंग, और अभी है प्रॉपरली डिनर करते हैं, तो चलो। और पनीर की और खट्टा, मतलब क्या होता है बेसन का खट्टा, और उसके रेट में दूसरा क्या ऑप्शन है, दूसरा क्या ऑप्शन है, मिक्स वेज, मिक्स वेज लेके आओ, पनीर लेके आओ। सो अभी प्रिया होटल में प्रिया खाली ऑर्डर की, देखते हैं कैसा है। मुंबई में तो इतने सालों से बहुत बार दिवाली सेलिब्रेट किया है, बट ऐसा कभी नज़ारा देखने के लिए नहीं मिला। वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह रहते हैं, सो प्रॉपरली लाइटिंग्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ पे लोगों को छतों को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, और पूरा दिए वगैरह लाइटिंग्स बहुत ही ब्यूटीफुल है एक्चुअली। मेरी जोधपुर की दिवाली, और ये तो मेरी सबसे अभी तक की बेस्ट दिवाली है, बिकॉज इतना ब्यूटीफुल सीनरी मैंने अभी तक दिवाली में नहीं देखा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये जो होटल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि मुझे यहाँ से आपको सामने पूरा जोधपुर दिखता है, मीन्स इतना ब्यूटीफुल। यहाँ के लोग ज़्यादा करके अपने घरों के छतों को डेकोरेट ज़्यादा करते हैं, ये मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिला। पूरे छतों पे दिए और लाइटिंग्स की वजह से बहुत ही अच्छा।